हाय फ्रेंड्स, खाना खजाना विद अनु में आपका स्वागत है। अचानक आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या फिर कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप अपने फ्रिज में रखे ब्रेड से इंस्टेंट डिजर्ट की रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी खाने में बहुत ही डिलीशियस है। बिल्कुल अलग और नई तरह की रेसिपी है। इसे आप चुटकियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। इसमें 1/4 कप रूम टेम्परेचर पर का दूध डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चम्मच से मिलाकर एक पतली घोल तैयार करेंगे। अब हम पतीले में 1 कप दूध डालेंगे। दूध को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, दूध में बॉयल आने देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी डालकर मिलाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए दूध को हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए, दूध जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है, यानी कि 3/4 कप रह गया है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड वाले घोल को डालकर दूध में मिलाएंगे। फ्लेम को लो पर रखेंगे। इस समय इसे हम लगातार चलाते हुए मिलाएंगे, जिससे कि इसमें किसी तरह का कोई भी लम्स नहीं पड़े और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि एक थिक जैसी पेस्ट बनकर तैयार ना हो जाए। तो यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी को देख लेंगे। इसे हम पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड का थिक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरह का हमें रखना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे हम बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक ये कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, तब तक हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, वाइट या ब्राउन जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। इसे आप अपने किसी भी मनपसंद शेप में कट करेंगे। तो यहाँ मैंने कट करने के लिए हार्ट शेप का कुकीज़ कटर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ग्लास से भी कट कर सकते हैं या चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक ब्रेड को 2 हार्ट शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जैसा भी आप शेप रखना चाहते हैं उस शेप में आप चाकू से कट कर सकते हैं। तो यहां मैंने इसी तरह से सारे ब्रेड को हार्ट शेप में कट कर लिया है। अब मैं आपको चाकू से भी एक ब्रेड को कट करके दिखा रही हूं। इसके चारों जो ब्राउन साइड्स है उसको हम काट कर हटा देंगे और बीच में इस तरह से कट करके ब्रेड के 4 पीसेस स्क्वायर शेप में निकाल लेंगे। तो चलिए, हमारे सारे ब्रेड कट हो गए हैं। अब हम इसके लिए कस्टर्ड पेस्ट को देख लेते हैं। तो ये देखिए, कस्टर्ड का जो पेस्ट है वो ठंडा हो गया है और ये काफ़ी अभी थिक है। तो इसे हम चम्मच से मिलाकर और स्मूथ बनाएंगे। जब ये स्मूथ हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो यहाँ मैं रेड कलर की टूटी फ्रूटी इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी कलर का टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं या फिर रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो बिना कुछ ऐड किए सिर्फ कस्टर्ड पेस्ट से भी आप बना सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कस्टर्ड पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म करेंगे और इसमें ब्रेड के पीसेस को डालकर बैचेस में फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को उलट पलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ब्रेड जो है वो फ्राई हो गए हैं, काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं और बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे ब्रेड हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं इस प्लेट में। अब हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पेस्ट को लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे कि ब्रेड के ऊपर इसका एक लेयर सा बन जाए। कस्टर्ड का लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर ब्रेड का दूसरा पीस रखेंगे। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि ये ब्रेड अच्छे से चिपक जाए। साइड्स में जो भी खाली है उसके अंदर कस्टर्ड पेस्ट को डालेंगे और इसे हम फील कर देंगे। जो भी कस्टर्ड पेस्ट बाहर से निकल रहा है उसे हम हटाकर इसी के शेप में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो है बिल्कुल सैंडविच की तरह इसके बीच में हमने कस्टर्ड पेस्ट को स्टफ कर लिया है। इसी तरह से सारे ब्रेड के बीच में कस्टर्ड पेस्ट को लगाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपने स्क्वायर शेप में ब्रेड को बनाया है तो इसके ऊपर कस्टर्ड पेस्ट को लगाकर एक लेयर बनाएंगे और इसके ऊपर दूसरे ब्रेड के पीस को लगाकर इसके अंदर पेस्ट को अच्छी तरह से फील कर देंगे।
इस तरह से स्क्वायर शेप में भी आप ब्रेड को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे ब्रेड जो हैं वो स्टफ होकर तैयार हो गए हैं। अब हम ब्रेड के लिए चॉकलेट सिरप या ग्लेज को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा कप डार्क चॉकलेट। इसमें 4 छोटे चम्मच गर्म दूध डालेंगे और इसे हम मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में रखकर मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर में भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक पतीले में गर्म पानी करके ले लीजिए, इसके अंदर चॉकलेट वाली बॉल को रखेंगे। जैसे जैसे बॉल गर्म होगी चॉकलेट मेल्ट होते जाएगी। इस तरह से भी चॉकलेट बहुत ही आसानी से हम मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट का सिरप बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस चॉकलेट सिरप से ब्रेड को कोट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्टफ्ड ब्रेड को लिया है, इसे चॉकलेट सिरप के अंदर डिप करेंगे। ब्रेड के सभी तरफ से सिरप को लगाएंगे इस तरह से। जब ब्रेड अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट हो जाए तब हम इसे एक जाली के ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो प्लेट में आ जाएगा। इस तरह से जितने भी हमने ब्रेड तैयार करके रखे हैं उसे चॉकलेट से कोट करके इस जाली के ऊपर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाएंगे एडिबल सिल्वर बॉल्स। इस तरह इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये स्प्रिंकल्स केक को डेकोरेट करने के काम में आते हैं और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स या डेसिकेटेड कोकोनट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से डेकोरेट करने पर ये डिज़र्ट दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये देखिए हार्ट शेप में हमारा चॉकलेट डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे, जिससे कि ये चॉकलेट ठंडी होकर सेट हो जाए। जब ये चॉकलेट सेट हो जाए तब हम इसे फ्रीज़र से निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। लेकिन ये डिज़र्ट दिखने में इतने टेस्टी बने हैं कि आप 10 से 15 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही यमी बनी है। चॉकलेटी और सुपर टेस्टी ब्रेड की इस नई रेसिपी को जरूर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।